हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय श्रोतागणों का, प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज हम जो आपके साथ बात करने वाले हैं, जो आपका अपना ये मनपसंद कार्यक्रम है जिसका नाम है मंथली लव राशिफल, जो कि दिसंबर 2022 का है, इसके विषय में बात करेंगे। और ये जो कार्यक्रम है पूर्ण रूप से लग्न राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। और बताएंगे कि इस दिसंबर 2022 में विशेष रूप से बात करेंगे आप जो मेष लग्न राशि के जातक हैं अभी इस कार्यक्रम में, यानी कि एरीज असेंडेंट बेस जातक जो हैं उनके विषय में बात करेंगे। और मुख्य रूप से जो हम हमेशा करते ही हैं, आज भी ऐसे ही करेंगे, 5 पॉइंट्स पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, जो सिंगल जातक हैं आप में से मेष लग्न राशि के जातक, अभी तक उनका कोई मित्र नहीं बन पाया है या उन्होंने बनाने में दिलचस्पी नहीं दिखाई है, तो क्या इस दिसंबर 2022 में कुछ ऐसा योग बनेगा कि आपकी मित्रता, आप अपना कोई मित्र बना पाएं, उस मित्र के साथ अपनी मित्रता को बढ़ा पाएं, या फिर अभी ग्रहों की ओर से सपोर्ट नहीं है, इसके विषय में बताएंगे। दूसरा पॉइंट हम लेंगे कि जो लिव इन रिलेशन में पहले से ही हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं, या जिनका लव अफेयर्स चल रहा है इस दिसंबर 2022 में, उनके केस में कितना प्रोग्रेस वो देख पाएंगे, कितना एंजॉय कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, किस तरीके के हालात रहेंगे, क्या सिचुएशन रहेगी उनके बीच में, ग्रहों के आधार पर इसकी विषय में बताएंगे। पॉइंट नंबर 3 लेंगे हम कि भाई जो मैरिड कपल्स हैं उनका दिसंबर 2022 में मैरिड लाइफ कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा मेष लग्न राशि के जातकों का। और नंबर 4 बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेके कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भी कोई योग है, और अगर है तो उसमें कितना सक्सेस होंगे, कितना उसको एंजॉय करेंगे, या उसके कारण कोई और समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी, या उन रिलेशनशिप में भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं बन जाएगी। और अंत में बात करेंगे, पॉइंट नंबर 5 लेंगे कि जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं मेष लग्न राशि के जातक, यानी कि पहले अच्छी रिलेशनशिप आपकी चल रही थी लेकिन किसी कारणवश अब आपका उनके साथ कोई संपर्क नहीं है फिलहाल, लेकिन आप चाहते हैं कि आपके संबंध उनके साथ बिल्कुल पहले जैसे ही बने, उसके लिए आप प्रयास करना चाहते हैं और दिल से चाहते हैं कि किसी भी तरह संबंध स्थापित हो सकें, तो क्या ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलेगा इस दिसंबर 2022 में, अगर आप इस प्रकार की सोच रखते हैं तो। इन चीज़ों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं मेष लग्न राशि के जो जातक हैं आप, एरीज असेंडेंट बेस जातक, जो सिंगल जातक हैं, उनके हालात कैसे रहेंगे इस दिसंबर 2022 में। प्रिय साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं कि महीने की जो शुरुआत है इस दिसंबर की 1 तारीख से लेके और ये 16 तारीख तक के बीच का जो ड्यूरेशन है, इस अवधि में आपका जो एक तरीके से विचार है, मानसिक तौर पर जो जो दिमाग में विचार आता है ऐसी चीज़ों को लेकर के, या किसी भी चीज़ को लेकर के, बात तो क्योंकि यहाँ पर मित्रता की हो रही है और मित्र की हो रही है कि बनेगा या नहीं बनेगा, तो हम उसी पर ही बात करेंगे, उसी पर ही हमारा फोकस है। तो देखिए, आपका जो महीने के आरंभ से मेष लग्न राशि के जातकों का जो विचार रहेगा, जो सोच रहेगी, वो कोई बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं रहेगी कि आप कुछ बहुत ज़्यादा गंभीर रह पाए, और अगर विचार आएंगे भी माइंड में बीच बीच में, तो उसमें भी इस प्रकार के विचारों की कुछ ज़्यादा मिक्सचर रहेगा कि अरे अगर कोई मिलता भी है या कोई है भी अगर आपके सामने, तो चलो ठीक है, देखते हैं, टाइम पास करते हैं पहले, बहुत सीरियस नहीं होंगे आप, मेरा मतलब ये है अपनी इस मित्रता को लेकर के, महीने के 15-16 दिन तो आप ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे, और जो विचार आएंगे भी आपके दिल और दिमाग में, वो भी कुछ ऐसे ही आएंगे कि चलो ठीक है, अगर अगला मुझे सपोज मतलब एक तरीके से प्रपोज कर रहा है या मित्रता बढ़ा रहा है मेरे प्रति, उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, अगर आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सामने वाले का इंटरेस्ट या सामने वाली का इंटरेस्ट आप में डे बाई डे बढ़ रहा है, तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा ही रहेगा सोच कि चलो ठीक है, मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है, कुछ बहुत ज़्यादा सीरियसनेस नहीं रहेगी आपके माइंड में, बहुत गंभीरता से आप चीज़ों को नहीं लेंगे। हाँ, 16 दिसंबर के बाद से लेके और महीने के अंत तक का जो ये समय है, विशेष रूप से 16 तारीख से और 29 तारीख के बीच का जो समय होगा, ये वो समय होगा
कि जब आप के बीच में समस्याएं तो होंगी, कुछ ऐसे इश्यूज भी होंगे कि जिनको लेकर के आपके और उनके मित्र के बीच में, जो आप 16 तारीख के बाद थोड़ा आगे तो बढ़ेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, 16 तक जो स्थिति थी उसमें चेंजेज आएंगे और आप आगे बढ़ेंगे, मित्रता जो आप पहले सिर्फ फॉर्मल टॉक कर रहे थे, इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं ले रहे थे, अब ये आपका इंटरेस्ट तो बढ़ेगा, लेकिन कुछ इश्यूज भी आपके बीच में रहेंगे और उसके बीच में कुछ ऐसे इश्यूज जिनको लेकर के आप थोड़ा सा उनकी तरफ से एश्योरेंस चाहें कि देखिए मेरे को जब तक इस प्रकार की एश्योरेंस आपकी ओर से नहीं मिलेगी या जब तक इस प्रकार के कमिटमेंट आपकी तरफ से नहीं होगी, मैं आगे बढ़ नहीं सकता या बढ़ नहीं सकती, ये मेरी मजबूरी कह सकते हैं या मेरी जो भी सोच कह सकते हैं, ये कुछ इस तरीके के छोटे छोटे इश्यूज आपके और उनके बीच में बन सकते हैं। तो लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक तरफ ये इश्यूज भी रहेंगे, दूसरी तरफ आपकी मीटिंग्स भी होंगी, आपका मिलना जुलना भी रहेगा, ये सब चलता रहेगा और बीच बीच में आपकी खाली ये नहीं है कि आप मित्रता तक ही सीमित रह पाएंगे, आप जब मिलेंगे उनके साथ, मीटिंग आपकी होंगी, मीटिंग्स, तो उन मीटिंग्स में बात शादी और विवाह की भी आपकी होगी, उसको लेकर के भी बातचीत होंगी कि आप ये भी उनसे पूछ सकते हैं कि आप कितना सीरियस हैं विवाह को लेकर के, कल को अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो विवाह को लेकर के आप सीरियस हैं क्या या सिर्फ आप फ्रेंडशिप तक ही हैं, इस तरीके की डिस्कशन भी आप करेंगे या करना चाहेंगे या करना पसंद करेंगे, करनी भी चाहिए, जल्दबाजी किस बात की है, आखिरकार पूरी लाइफ का सवाल है, तो ये ठीक है, इसमें इसको इसमें कुछ गलत नहीं है। तो इस प्रकार की स्थिति रहेगी कि करीब आएंगे 16 तारीख के बाद से लेकर माह के अंत के बीच में, करीबी आपकी जो करीबियाँ हैं वो बढ़ेंगी, नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, लेकिन बीच बीच में जैसे मैंने कहा कि ये कुछ डाउट्स भी रहेंगे, कुछ इश्यूज रहेंगे जिनको लेकर के आप चाहेंगी या चाहेंगे कि उनकी तरफ से आपको या वो आपसे ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये स्थिति रहेगी। आगे बात करेंगे जो लिव इन रिलेशनशिप में है या जो जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर आप पहले से लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, ये लिव इन रिलेशनशिप में भी अगर आप पहले से हैं तो ये आपके जो महीना है दिसंबर का, 16 तारीख तक तो चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा विशेष आपको रिजल्ट्स मिलने वाले नहीं हैं, शुरू के 16 दिन तो इस दिसंबर के ऐसे ही निकलेंगे, लेकिन 16 तारीख के बाद से थोड़ा ये रहेगा, अगर आपका उनके बीच में अफेयर है तो हो सकता है कि किसी बात को लेकर के कोई ऐसा इशू बन जाए कि जिसको लेकर के आप नाराज़गी आपकी हो जाए उनके प्रति या उनकी नाराज़गी आपके प्रति हो जाए, इस बात की भी संभावना है, कोई ना कोई ऐसी बात हो जाए कि जिसको लेकर के थोड़ा सा एक दूसरे से आप खफा हो जाएं। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पर, ये तो बात मैंने वो बताई कि भाई कुछ ऐसे इशूज हैं जिनको लेकर के आपकी कुछ समस्याएँ कुछ खड़ी हो सकती हैं आप दोनों के बीच में, जिनको लेकर के आप काफ़ी सीरियस हो सकते हैं, लेकिन 29 तारीख के बाद से, मैं कह रहा आपको डेट दे रहा हूँ, 29 दिसंबर के बाद से आपका जो रिलेशन है वो अभूतपूर्व एक रिलेशन बनेगा और ये रिलेशन ऐसा रहेगा कि बिल्कुल जैसे कोई एकदम इस तरीके से बहुत अच्छी रिलेशनशिप जाएगी, बहुत अच्छी प्रोग्रेस होगी, बहुत अच्छी मजबूती के साथ आप आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के प्रति बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, एक दूसरे पर पूरा विश्वास करेंगे और बात आपकी विवाह तक भी जाएगी, उसको लेकर के भी सीरियस रहेंगे और उसको लेकर के भी अगर आप 29 दिसंबर के बाद स्टेप लेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी अपने जहां पर आपके अफेयर्स चल रहे हैं या जहां आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं। अगर आप मैरिज को भी सीरियसली ले रहे हैं तो वो 29 के बाद संभव है और 29 तारीख के बाद आपकी रिलेशनशिप को भी आप एंजॉय करेंगे बहुत अच्छे ढंग से। तो ये योग जो बनेगा 29 दिसंबर से बनेगा, जिसमें आप भरपूर आनंद ले सकते हैं, अपने मित्र के साथ रह सकते हैं, उसकी मित्रता का एंजॉय कर सकते हैं, उसकी कंपनी को एंजॉय कर सकते हैं, इस प्रकार का योग बनने जा रहा है 29 दिसंबर से। आगे बात करेंगे कि भाई वैवाहिक सुख कितना है मेष लग्न राशि के जातकों के जीवन में, अगर आप मैरिड कपल्स हैं तो मेरे प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि जहां एक ओर
आपके अपने जीवन साथी के साथ किसी ना किसी बात को लेकर के नाराजगी या वैचारिक मतभेद, ये इस तरीके की स्थिति बनेगी। वहीं दूसरी ओर आप कंप्रोमाइजिंग मूड में भी रहेंगे। अगर थोड़ी बहुत देर पहले आप लड़े हैं या कुछ बात हुई या वाद विवाद हुआ है, थोड़ी देर के बाद आप कंप्रोमाइज करने के मूड में भी रहेंगे कि चलो कुछ नहीं है भाई, ख़त्म करो, तुम भी छोड़ो, तुम भी भूल जाओ, मैं भी भूल जाता हूँ, बात ख़त्म करो। इस तरीके का आपका ये दिसंबर 2022 निकलने वाला है जो मैरिड कपल्स हैं। आगे बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के किस प्रकार के हालात बनने वाले हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की जहाँ तक बात है कि इस महीने आपके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बनने की बात है, ये शुरू के 15-16 दिन तो ये भी मामला ठंडा ही रहेगा। बहुत ज़्यादा आप चाहें कि भाई हम आगे बढ़ पाएँ, या जिनका अभी तक नहीं है और वो इस महीने कहीं उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ भाई कुछ मेरे रिलेशनशिप डेवलप हो सकती है इस महीने, तो वो पहले 15-16 दिन तो सिर्फ सोच विचारने में ही निकल जाएंगे, उसमें आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। हाँ, 16 तारीख के बाद से ज़रूर आप थोड़ा थोड़ा करके, एकदम तो रिजल्ट्स वहाँ भी नहीं मिलेंगे, हाँ थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बातों से ही बात बिगड़ सकती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप कुछ ऐसा ना बोल दें, बात बढ़ी लेकिन कोई ना कोई मुंह से अचानक बात ऐसी निकल गई कि जिसकी वजह से जो आपका वो मित्र है जिसके साथ आपकी रिलेशनशिप आप डेवलप कर रहे हैं, पता चला कि वो आपसे पीछे हटना शुरू हो गया, आपकी किसी बात को या किसी चीज़ उसने कुछ अच्छा नहीं लगा, कोई बात आपने ऐसी बोल दी, तो ये स्थिति भी पैदा हो सकती है, इसका भी काफ़ी अच्छी संभावना है। अंत में बात करेंगे कि जो मेष लग्न राशि के जातक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में जा चुके हैं, उनका कैसा रहने वाला है इस दिसंबर 2022 में। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप यदि अपने पुराने मित्र के साथ अपनी पहले जैसी मित्रता कायम रखना चाहते हैं, मेल मिलाप रखना चाहते हैं, तो ये संभव होगा, बिल्कुल होगा, प्रयास करते रहें। एक दिन में सारी चीज़ें नहीं हो जाती हैं, पहले आप प्रयास करें, लेकिन वो भी स्थिति आएगी, वो कब आएगी वो भी बताएंगे आपको। ऐसी भी स्थिति आएगी कि जब आप एक दूसरे से मिल पाएंगे, एक दूसरे से अपनी व्यक्तिगत बातों को शेयर कर पाएंगे, वो अपनी आपसे कह पाएंगे, मन की बात आप उनसे कह पाएंगे, लेकिन वो समय अभी इस महीने में समय लगेगा। ये चीज़ होगी 29 दिसंबर के बाद, जो भी रिजल्ट्स आपको मिलेंगे वो 29 दिसंबर के बाद ही मिलेंगे। इससे पहले जो भी चीज़ें होंगी उसमें वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होंगी, वो सब ऐसी चीज़ें होंगी कि आपको थोड़ा एहसास तो हो सकता है कि हाँ भाई चीज़ कुछ थोड़ा आ तो रही है, कुछ समझ में बातें, कुछ चीज़ें पॉजिटिव वे में जानना आरंभ तो हुई हैं, शुरू तो हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कुछ एकदम सामने आपके रिजल्ट्स आ जाएं, वो 29 दिसंबर के बाद ही होगा। तो ये था आप मेष लग्न राशि के जातकों का लव राशिफल दिसंबर 2022 का। जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पर जो भी रिजल्ट्स बनते हैं, हमने उसी की चर्चा आपसे किया है। अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इसका लाभ ले सकें जानकारी का। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में आपको जो भी हमारे द्वारा बनते हैं वीडियोज़ एस्ट्रोलॉजी पर, उन सभी की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियोज़ समय रहते आप तक पहुँच पाएँ, तो फिर जब ये जो बेल आइकन आप देख पा रहे हैं इसको जरूर दबा दें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।